अच्छा रमेश खंडेलवाल ने टिकट मिले तो मजबूत रहेगी? मजबूत रहेगी रमेश खंडेलवाल। बात जोर ने मतलब वो यार कौन रमेश खंडेलवाल, अगर जो ना टिकट मिला है ना तो उनकी बराबर टक्कर से मतलब फिर मतलब 100% दोबारा कांग्रेस निकल सका जाएगा। अगर सुरेश मोदी मिले तो सर हम बाजोर से बाजोर जीते बाजोर। तो देखिए अंतिम छोर का एक गांव है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हरियाणा राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। यह बताओ की बार वोट किन देश हो? रमेश खंडेलवाल ने कया जी के बात खास आदमी तो अच्छा के काम करा था दारू जो आजे फ्री। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं दलपतपुरा में हूँ, नीम का थाना विधानसभा का अंतिम छोर का ये गांव है दलपतपुरा। इसके आगे मैं बात करूँ तो हरियाणा की सीमा लग जाती है, इसके आगे हरियाणा की सीमा। हरियाणा की सीमा कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हरियाणा राज्य की सीमा लग जाती है। अंतिम छोर का गांव है दलपतपुरा, वहां पे मैं आया हूँ। काफी जो लोग हैं यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, अपना टाइम पास व्यतीत कर रहे हैं। बात करेंगे चुनाव को लेकर, नीम का थाना की राजनीति को लेकर कि क्या रहेगा इस बार। नीम का थाना की राजनीति में बात करें तो बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी, कैसा इन लोगों का मानस है? और अंतिम छोर का ये गांव है तो जाहिर सी बात है कि इस गांव के पास कितना विकास है जो इस गांव के पास आ पाया है कि नहीं आ पाया है, इन गांव के लोगों में आक्रोश है या नहीं है, पूरी बातें करेंगे लोग हमारे साथ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? पूर्णमल। अच्छा बात करा तो ये अंतिम छोर गाँव नीम को थाना कितनी दूर है जी? यहाँ से 22-23 किलोमीटर है। 22-23 किलोमीटर दूर? 10 नहीं, हाँ हाँ 22 किलोमीटर तो पाटन होगा। 33। अच्छा यहाँ से हरियाणा कितनी दूर है? यहाँ से हरियाणा पड़ेगा 1.5 किलोमीटर हरियाणा की सीमा। अच्छा तो अंतिम छोर का ये गांव है, क्या लगता है इस बार क्या यहाँ विकास के कार्य हो पाए? हाँ हुआ है। क्या क्या हुए? यहाँ से पाटन में स्कूल खुली है, कॉलेज नीम का थाना में जिला बना दिया, बहुत कम हुए, नीम का थाना में ज्यादा हुआ है। अच्छा तो क्या लगता है इस बार यहाँ दलपतपुरा की जो जनता है वो किस पक्ष में जाएगी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस चाहिए तो खंडेलवाल को मिलो और जो सुरेश मोदी को मिलो, दोनों को ही पार हो गए। अच्छा बीजेपी को क्या रहे? अब बीजेपी का भी है वोट तो आएंगे। कितना क्या वोट ग्राम पंचायत? वो तो आपका सबका मत है थोड़ी मालूम। ग्राम पंचायत में कितना वोट है? इसमें 3,000 वोट है। 3 है। सभी जाति बिरादरी के लोग? हाँ सभी जाति। अच्छा बाबू जी राम राम। राम राम। क्या नाम है धारो? जिला राम। अच्छा ये बताओ आपकी बार वोट किन दो? वोट तो सब आप देखो बीजेपी ने दो कांग्रेस ने दो बताओ? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। अच्छा ये बताओ अंतिम छोर में गाँव काम वाम हो रहे हैं? काम भी है इसी हो जाएंगे। राम राम जी। राम राम। धारो के नाम साहब? राम जी लाल जी। अच्छा तो ये बताओ कि गांव में विकास का काम वाम हो जाएगी? हाँ हो जाती, खूब हो जाती। हो जाएगी, खुश होगी सरकार से। तो अब की बार क्या लगा, बीजेपी ने चुनो कांग्रेस ने चुनो साहब? ना मैं तो कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देखियो राजी हो कांग्रेस? अच्छा राम राम। राम राम भाई। के नाम साहब? मैं राम सर। अठेगा होगी? हाँ भाई। अच्छा तो कसो की है गांव को माहौल, समीकरण की का पक्ष में ज्यादा रहे? अब की बार बीजेपी को माहौल है भाई। बीजेपी को, बीजेपी निकल चाहिए जी जी। और भी लोग ही बातचीत कराएंगे जी। राम राम जी। क्या नाम करो? मेरा नाम महेश। अठाई होगी? हाँ उराई कुछ भाई। ये लागत की बार या दलपतपुरा की राजनीति की करोट बैठा जी, बीजेपी या कांग्रेस? आज इसी दो सभा हो जाए कि मोदी ऊपर बैठे से, मोदी ने रुझान से अच्छा कोई की में कहा जाओ कोई विकास कोई देखो मोदी के पीछे सबकी में मोदी है तो सब कुछ। अच्छा कांग्रेस नहीं मिलेगी है? कांग्रेस ने मिला बीजेपी? कांग्रेस उरा से रमेश खंडेलवाल ने मिला, कांग्रेस आ सके नहीं तो बीजेपी है क्लियर यहाँ से। रमेश खंडेलवाल ने टिकट मिला तो कांग्रेस निकल सके? निकल सके। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। के दबा रहे हो? वोट। वोट दबा रहे हो? यह बताओ की बार वोट किन देश हो? मैं रमेश खंडेलवाल ने कया जी के बात खास आदमी से मेरो खास आदमी दोनों। अच्छा क्या काम करा था? दारू जो आज फ्री में दारू दिया था। ये बताओ गांव में कत्तों के माहौल है? रमेश माहौल बढ़िया से सब दोनों बराबर पार्टी। रमेश खंडेलवाल को शोक रहे गलत दोनों बराबर से कांग्रेस के रमेश ने टिकट मिल गई जना तो रमेश जासपे से पार नहीं मिली जना फिर गड़बड़ी। राम राम बाबा मजा भी करी है। अच्छा राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम था? मेरा नाम भागवत। अठाई होगी? मत भाई साहब इंडिया को तो कोने तो मत कता है कोने मत राजस्थान का होकर सो तो राजस्थान को ही
पर आप देखो कई की सरकार बने तो उपली सरकार बताओ बीजेपी की बने कांग्रेस की बीजेपी की बनेगी सरकार तो जी राम राम जी और के नाम ताराचंद नाम यह बताओ आपके बार बीजेपी की बने कांग्रेस की बने क्या लगेगा सब बराबर से ही काम बराबर से होगी अच्छा विकास का काम होया कौन है वो यहाँ से राम राम जी राम राम जी राम नाम साहब थारो राम स्वरूप अच्छा यह बताओ चुनाव लेकर कसो के माहौल है गाँव को माहौल बढ़िया बढ़िया ये की का पक्ष में रह जी आपकी बार पक्ष में नंदराम का में नंदराम कुल खड़े बने और आए आया चुनाव में खड़ो जो आया चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को क्या रह जी कांग्रेस बीजेपी को सब वोट देंगे जिन बेरो फेकिन दो वोट मैं भी उन्हें नाम नंदराम ने बाबू जी फेकिन दो बोलो बोलो किन दो वोट पर बीजेपी नरेंद्र मोदी हावे साहब क्या नाम है आपका भाई सोनू है यहीं की होगी अच्छा ये अंतिम छोर की ग्राम पंचायत है बात करा तो विकास का कार्य ही ग्राम पंचायत तक पहुँचेगी मैं अभी तक तो पूछा करूँ भाई कोई तो रोड को काम देख रहा हो थे कि मैं मतलब गली में सड़क है यार या हम जन रास्ते तो एक बाईपास निकले हो वो भी पहले को निकले हो अच्छा। बस एक पत्थर शिलासन की हो गए तो बाकी अच्छा। काम कौन सा लो अच्छा तो क्या लगा आपकी बार निम का थाना बदलाव आसी की बदलाव ही ढंग सा लेंगे बदलाव कड़े आओ मेरे भाई तो बीजेपी आओ कांग्रेस आओ या बताओ भाई बीजेपी देखो अगर सुरेश मोदी की टिकट रहे ना तो एडे को बीजेपी टेला वालों को ना हाँ अगर रमेश खंडेलवाल ना अगर कांग्रेस टिकट मिला था ना तो बाजोर का टक्कर में हो सफेरी की मतलब बड़े आस हो जाए कांग्रेस की दूसरी बार अच्छा रमेश खंडेलवाल ने टिकट मिला तो मजबूत रहेगी मजबूत रहेगी रमेश खंडेलवाल हाँ बाजोर ने मतलब वो यार आस है कौन रमेश खंडेलवाल अगर तूने टिकट मिला है ना तो उनकी बराबर टक्कर से मतलब फिर मतलब 100% दोबारा कांग्रेस निकल सका जाए और अगर सुरेश मोदी मिला तो सर हम बाजोर से भाई बाजोर जीते बाजोर को यार थारा काम कौन कराएगी विधायक के काम किमी काम कुन करा है एक मतलब का सड़क किमी किमी और मतलब एक पत्थर लगा रखो जो रोड को सिर्फ अच्छा और बाकी कुदल पत्रा गांव में कोई काम कुन कोई काम नहीं कितना वोट है गांव का माने 3-4 हजार दो सभी जाति बिरादरी का लोग रही हां सब 36 हजार जी जी राम राम जी राम राम साहब क्या नाम साहब हंसराज गुजर गुजर साहब बात करा तो कसो के माहौल है गाँव को आपकी बार विकास काम होया कौन गाँव को माहौल तो जी बढ़िया से विकास तो जो को तू चल रो से जो को तू से अच्छा चाहे कोई काम आ जाए तो करवा दें अच्छा नहीं तो क्या लगा आपकी बार बीजेपी आओ कांग्रेस आओ अब मैं तो यही सोचा कांग्रेस ही आओ कांग्रेस आओ कांग्रेस की सरकार से खुश हो गए थे हाँ खुश नहीं है संग बेचारो घर घर शब्द कर रोज है मोबाइल वगैरह दे रोज है तो नीम का थाना में क्या आपकी बार किन मिले नीम का थाना में अगर खंडेलवाल को टिकट मिलती है तो क्लियर जीत है खंडेलवाल की रमेश खंडेलवाल की हाँ जी अच्छा मजबूत रहेंगे नहीं मजबूत क्या एक नंबर का कठोर सुरेश मोदी ने मिला तो अब सुरेश मोदी जी की तो अब मैं तो कोई सर्वे कर रहा कौन थे कर रहा है देख अच्छा, अच्छा, अच्छा। कौन समझा रमेश खंडेलवाल ने मिला टिकट निकल सके हाँ निकल सके निकल गया हाँ जी के तो रमेश रे गोके बाजूर को दिल परस आएगी हाँ दो ही आदमी को चर्चा को ना चर्चा ही को ना कोई मतलब टिकट को मिल जाए टिकट को रमेश सिंह तो टिकट को खंडेलवाल की बैठे तो खंडेलवाल को खंडेलवाल को गांव का मैंने तो इतना मतलब कनेक्टिविटी क्या है रमेश खंडेलवाल तो विधायक भी कौन है वो आठ जी वो कनेक्टिविटी तो ही हो कि वो एक बार विधायक रहा हुआ है यहाँ से अच्छा तो विकास करवाया उन्होंने बहुत ज्यादा उसी टाइम का ये पानी उसी का चल रहा है रमेश खंडेलवाल की हाँ जी उसके बाद में गांव की उसके बाद में बोरिंग वगैरह लगी खूब सिंगल पॉइंट उसने लगवाई हॉस्पिटल यहाँ बनवाए मतलब जो विकास किया दलपतपुर हम सबसे ज्यादा उसने खंडेलवाल ने किया हाँ जी सुरेश मोदी 5 साल के अंदर एक दिन भी नहीं आया गाँव के अंदर में नहीं हमें भुगतना पड़ेगा इस बार हाँ हाँ जी मतलब जो भी काम किया वो मतलब खंडेलवाल जी ने करवाया यहाँ विकास का काम हाँ जी इस वजह से उसी के साथ ये जनता भी वैसे भी अच्छा गाँव को पूरा होगा सोके माहौल के पक्ष में अब वो तो साहब देखो ये कोई बात कही बन जाए अच्छा अभी तो टिकट वाले भी दावेदारी से पाड़ों का डीन पलट जाए के नहीं पलटे ये बात है सर हाँ जी के नाम साहब थारो महावीर अटक गए होगी हाँ या बताओ तो आपकी बार गाँव को कसोके माहौल के पक्ष में रह जी अभी तो दोनों उड़ाई चाल रही सो दो बीजेपी का ने कांग्रेस अच्छा कांग्रेस की टिकट किन मिले कांग्रेस रंगी ने मिला रमेश खंडेलवाल और बिना बीजेपी की बीजेपी की
अशोक पाकि अशोक माहौल रखी जीत हो सके जीके लागे तो देखिए अंतिम छोर का ये गांव है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हरियाणा राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। जिनको लेकर हम बात करें कि हम दलपतपुरा में यहाँ पे पहुंचे, ग्रामीणों ने एक ही बात कही कि रमेश खंडेलवाल को अगर टिकट मिलती है तो इस गांव में वर्चस्व की जो जीत होगी और वो जीत रमेश खंडेलवाल के पक्ष में होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।